वेल तो दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शादी, वेडिंग, मैरिज, विवाह, लगन, सगाई, हल्दी, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना और बहुत कुछ। मतलब आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन फनीएस्ट वेडिंग पार्ट 19। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरटेन होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अब यार शादियों की अगर बात की जाए तो शादियां तीन टाइप की होती हैं। पहली शादी वो जिसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं, दूसरी शादी वो जिसे हम लव मैरिज कहते हैं, और तीसरी शादी वो जिसमें आप जाते तो है चने के खेत में लेकिन आपके हाथ में जबरदस्ती गन्ना पकड़ा दिया जाता है। मतलब कुछ लोग डंडे पकड़कर आपकी जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। वैसे अगर तीसरी शादी की बात की जाए तो ये बहुत ही सस्ती हो जाती है, क्योंकि बाकी दो टाइप की शादियों में तो बहुत पैसा लगता है। अब इस शादी में आपका ज्यादा खर्चा तो नहीं होता, लेकिन जरा सा रिस्क उठाना पड़ता है, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। सबसे पहले तो इस पापा की परी को देखें, जो इस ढोल वाले के ढोल पर बैठकर डांस कर रही है। अब ऐसी ही लड़कियां होती हैं जिनका अखबार में आता है कि नून खेत में जा रही थी और लाम ने पकड़कर एन गेन कर दिया। अब ऐसा नहीं कि ढोल बजने पर सिर्फ पापा की परियां ही नाचती हैं, माँ के मगरमच्छ भी कुछ कम नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि माँ के मगरमच्छ किस तरह से शादी में डांस की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। लगता है इसी शादी में ये सारी पतंगबाजी कर लेंगे। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बेचारी दुल्हन से जो अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए शादी कर लेती है, लेकिन हरामी बॉयफ्रेंड इसकी शादी पर नहीं आता। मैं उससे प्यार करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड से, और वो किसी और लड़की से प्यार करता है। तो फिर आपने शादी क्यों कर ली भाई? उसे जलाने के लिए, पर वो आया ही नहीं और हम बर्बाद हो गए। अब दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बेवकूफ होगा जो इस तरह के काम करेगा। मैडम ये रियल लाइफ है, कोई मजाक नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे तो माँ बाप से जुदा होने पर दुल्हन बहुत रोती है, लेकिन आज के दौर की प्रॉब्लम ये है कि दुल्हन को रोना ही नहीं आता। देख रहे हो, रोना तो बहुत दूर की बात है, मैडम अपने दांत तक संभाल नहीं पा रही। मतलब दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। लगता है इस दुल्हन ने बूटी पी रखी है। वीडियो मत बनाना प्लीज, मत बनाओ, बहुत गलत है ये, मत बनाओ। लड़की रोए तब तो बनाओ भी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। मतलब इसने सस्ता नशा फूंक रखा है। अब इज्जत रखने के लिए थोड़ा रो ही लेती, लेकिन नहीं। अब ऐसे ही लोगों के लिए यूट्यूब पर ऐसे ऐसे ट्यूटोरियल बन रहे हैं जिसमें सिखाया जाता है कि आपने रोना कैसे है। So today we're going to be talking about how to make yourself fake cry in 10 seconds. And I मतलब अगर आप YouTube पर ये लिखोगे कि शादी में रोएं कैसे, तो आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहां पर बताया जाता है कि आपने रोना कैसे है, शादी में रोएं कैसे, कोर्स 7 दिन। मतलब यार शादी में रोने के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब आपको दिखाते हैं शादी में किया जाने वाला हार्ट अटैक डांस। मतलब लोगों ने ऐसे ऐसे डांस इजाद कर लिए हैं कि पूछो मत। ये बंदा डांस करते हुए ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे इसे हार्ट अटैक आया है, और ऊपर से सोने पर सुहागा तो ये है कि ये साथ साथ खुजली भी कर रहा है। अब ये तो आपने सुना है कि हर एक दोस्त कमीना होता है, दरअसल ये बात किसी हद तक ठीक भी है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो भैया ऐसे। चलो वो तो फिर भी ठीक था, यहाँ पर कमीने दोस्तों ने अपने दोस्त की बीवी को बेलन थमा दिया। मतलब इन दोस्तों ने अपने दोस्त को पूरी जिंदगी पिटवाने का पूरा प्रोग्राम कर रखा है। अब कुछ शादियों में मेहमानों के साथ बड़ा ही अजीबोगरीब काम होता है, हो सकता है कि शायद आपके साथ भी कुछ इस तरह का सीन कभी हुआ हो। अब ये वीडियो में नजर आने वाली चीज दूल्हा है या किसी ने भैंस को सीधा करवाया है। अब यार फैंसी कपड़े पहनना अच्छा है, लेकिन फैंसी और मैक्सी में फर्क तो रखो। ये क्या है? चलो ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन कुछ दूल्हे इस तरह से सजते हैं कि उन्हें आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नजर नहीं आता। अब यही वजह है कि अपने सेहरे की वजह से ये ना आगे देख पाते हैं ना पीछे, और फिर कुछ इस तरह का सीन हमें देखने को मिलता है। खत्म। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब बॉयफ्रेंड की शादी पर इस बेचारी का दिल टूट जाता है।
वेल तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।